प्रथमं शैल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमा एति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धि दात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान एतानि नामानि ब्रह्म नैव महात्मना। जय माता दी। बंधुओं, आज नवरात्रि के पांचवें दिन मैं आपको सुना रही हूँ स्कंद माता की कथा। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और आज पंचमी तिथि होने के कारण पांचवें रूप स्कंद माता की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। जो मनुष्य भी माँ स्कंद माता की इस कथा को सुनेंगे उन्हें धन ऐश्वर्य माँ की कृपा से सब प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको मैं स्कंद माता के स्वरूप माँ को किस चीज का भोग लगता है ये सब इस कथा में बताऊंगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो स्कंद माता की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। स्कंद माता का ध्यान वंदे वांछित कामर्थे चंद्र अधकृत शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी ध्वल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अभय पदम युग्म कराम दक्षिण उरुपुत्र धराम भजे पदम अंबर परिधानाम मृदु हास्या नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार कैयूर किंकिन रतन कुंडल धारिणी प्रफुल्ल वंदना पल्लवांधरा कांत कपोला पीन पयोधराम कमनिया लावण्य चारु त्रिवली नितंबनी। स्कंद माता का कवच एम विजालिकाम देवी पदयुगम घरापरा हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीं रीं हुं देवी पर्यस्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वान वपन अमृते हुं फट बीज समन्विता उत्तरस्य तथाग्ने वारुणे नैऋत्येवतु इन्द्रानां भैरवी चैव सीतांगी चै संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चै अन्यासु ही दिक्षु वै वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। स्कंद माता की कथा पंचम रूप स्कंद माता की पूजा वाक कथा माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में माना जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपनी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वरण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उनके योग क्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है।
कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में की है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, सिंहासन गता नित्यम पदम आशिता कर दया शुभ अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो भगत देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ भी किया जाता है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूरंतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और 1 भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का 4वां हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वरण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाने अच्छा लगता है। जो भक्त माता के स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया और महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक अवश्य करनी चाहिए क्योंकि उनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। बोलो स्कंद माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।